एशिया कप के मुकाबले में भारत की शानदार जीत को लेकर मुजफ्फरपुर में युवाओं का उत्साह दिखा, जहां पर खूब मिठाई बांटी गई और जमकर जश्न मनाया गया। शहर के प्रमुख चौक सरैया गंज टावर के पास जुटे युवाओं ने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर जश्न मनाया और कहा कि भारत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता और आज भारतीय टीम ने एक बार फिर पाकिस्तान को हरा कर अपनी मजबूत स्थिति को कायम रखा है। यही वजह है कि भारत लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। हाथ में भारत का तिरंगा झंडा लेकर शहर के युवाओं ने जीत का जश्न मनाया और कहा कि पाकिस्तान को 228 रन से हराया, ये देश के लिए बड़ी बात है और ये क्रम आगे भी जारी रहेगा। इस मौके पर अरविंद कुमार ने कहा कि भारत ने आज जितनी बड़ी जीत को हासिल किया है, ये बड़े गर्व की बात है, इसलिए शहर के युवाओं में बेहद उत्साह देखने को मिल रहा है और हम सभी अपने हाथों में देश का तिरंगा झंडा लेकर भारत की टीम के जीतने की खुशी में जश्न मना रहे हैं। देखिए, भारत हर बार लगातार हर बार जीतते आ रहा है, इस बार भी भारत ने जीता है। पूरे भारत में जश्न का माहौल है। जब भी भारत इंडिया जीता है तभी बिहार समेत देश के वासी, आखिर किस तरह से आपने देखा, किस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने, देश के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया, उसको भी बधाई देते हैं, पूरे भारत को बधाई देते हैं। आज भारत जैसा कि हमेशा से पटकनी देते आया है पाकिस्तान को, आज फिर ये गर्व और हर्ष का विषय है। भारत ने फिर अपने ताकत को दिखाया है और पाकिस्तान को जो है 228 रनों से चित कर दी है। इसी का हम लोग सब लोग पूरा युवा मुजफ्फरपुर का यहां पर अभी उमड़ने का काम कर रहा है और हम लोग रात के 12 बजे भी जश्न मना रहे हैं।